तो स्वागत है आप सबका। आज हम अलग अलग मम में मेरा मतलब मीम्स पे थोड़ी बहुत कमेंटरी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा ऐश इधर आना जरा। जी प्रोफेसर अभी आया। मैंने सुना है तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनना है। जी प्रोफेसर तुम्हारे पापा क्या करते हैं जो दिन भर घर नहीं आते, तुम्हारी माँ तो हमेशा अकेली रहती है। जी वो मेरे पापा एक जिम ट्रेनर है ना, तो पूरा दिन उनका जिम में ही बीत जाता है। तो इसका मतलब तुम्हारी माँ पूरा दिन घर पे अकेली रहती है? नहीं प्रोफेसर, मैं रहता हूँ ना अपनी माँ के साथ पूरा दिन। बेटा तुझे बहुत बड़ा एक पोकेमोन ट्रेनर बनना है ना, तू एक काम कर, दुनिया में जितने भी पोकेमोन है सब, मेरा मतलब सबको पकड़े बिना वापस मत आना, तेरी माँ का ख्याल मैं रखूंगा। ओ वाव, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप अगर मेरे मॉम का ख्याल रखोगे तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहेगा। हाँ बेटा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तेरे पापा को एक बेटा और तुझे एक भाई, एडवांस में मुबारक। क्या मतलब आपका प्रोफेसर? कुछ नहीं बेटा, तुझे नहीं समझेगा, तू जाके पोकेमोन ही पकड़। अब अगले मम्मी की तरफ बढ़ते हैं। सुन पगली, पेड़ से गिरे हुए पत्ते नहीं है हम, अपने भाई से जाके कहो कि औकात में रहे, उसके जीजा है हम। बेटा जरा शकल दिखाना अपना। हाँ ये बढ़िया है। अब सुन चूतिया, तेरे शकल देख के ये पता चल रहा है ये तेरे दूध पीने की उम्र है, तो चुपचाप घर में जाओ और जाके दूध पी, अपने माँ का नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, नहीं तो अपनी माँ को बोलेगा वो कमेंटेटर ने बोला दूध पीने के लिए, मुझे दो, मुझे आपका दूध पीना है, तेरे वजह से तो मेरा चैनल ही बैन हो जाएगा भाई। ये आजकल के चूतिया बच्चे बड़े बड़े चैनल बैन कर देते, मेरा तो उनसे भी बड़ा है, मुझे तो ज्यादा खतरा है, तो इसीलिए छोटे बच्चों को इधर ही छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। और माँ के दूध से याद है अगला मेम में तो सोनम कपूर के ऊपर है, मुझे मालूम है ये मेम में थोड़ा पुराना है लेकिन एवरग्रीन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा कमेंट्री कर दूं इसके ऊपर। तो शादी से पहले सोनम दीदी हमारी ऐसी दिखती थी, शादी के बाद सोनम दीदी अभी ऐसी दिखती है। पति का मेहनत पूरा झलक रहा है। सोनम दीदी तो फ्लैट से बंगलो हो गई, इसका मतलब समझे आप जब भी शादी करते हो आप एक लड़की का फिगर सुधारते हो, इसीलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों का फिगर सुधारो। मुझे मालूम है इसमें मेहनत है, बहुत मेहनत है, लेकिन किसी ना किसी को तो ये कुर्बानी देना पड़ेगा ना। लेकिन अपनी बीवियों को संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी, क्योंकि आजकल के लड़के ज्यादा हरामी हो चुके हैं, वो लड़कियों पे कम शादीशुदा आंटियों पे ज्यादा लाइन मारते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मेहनत के फल को कोई और ही चूस रहा है, समझ गए ना। तो इसलिए वीडियो को आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि हम अपना लेके फेसबुक में आ चुके हैं, वो कमेंटेटर सर्च कीजिए हम मिल जाएंगे, और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो थैंक यू, बाय।